360 दिनों में 360 दिनों का उधार देते हो कि हमसे माल लें, हमें उधार दुनिया को आप उधार दे रहे हो, और ये लोग हमारा जो नेक्स्ट डोर हमारा मुल्क है, साथ पड़ोसी मुल्क है, ब्रदर मुल्क है अफगानिस्तान, वो आपको नगद दे रहे हैं और आप नगद को ठुकरा के उधार वाले के पीछे भागते हो। तो खुदा के लिए इस मुल्क की ये जो पोटेंशियल है, ये तकरीबन 5-6 बिलियन डॉलर का पोटेंशियल मौजूद है और वो आप पर डिपेंडेंट है। आप ज्यादा से ज्यादा आइटम्स को ओपन करें और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको जान के ये खुशी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है और उसके लिए दरखास्तें उन्होंने मांगी हैं। मैं तमाम सनअतकारों से और दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए अपनी आइटम्स वहाँ रजिस्टर करवाएं जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक दफा आपकी आइटम रजिस्टर हो गई तो दूसरे मुल्कों के बनिस्बत पाकिस्तान पर वो जो ड्यूटी होगी, टैरिफ होगा जिसको कस्टम ड्यूटी फहम पे कहते हैं, वो कम होगी, तो ये हमें एक एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि काइंडली इन दिनों गवर्नमेंट ने वो एप्लीकेशंस कॉल की हैं, तो जितने भी हमारे सनअतकार भाई हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कईयों को सेल टैक्स की इनपुट नहीं मिलती होगी, वो वैसे ही एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जब एक बाज़ाब्ता चीज़ें लिस्ट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह की फजल से आपको फायदा होगा। तो मैं आप भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जितनी बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ लाए और जिस वालाहाना अंदाज में आप लोगों ने ड्यूरिंग द कैंपेन और ख़ासतौर पर आज भी आपने इस्तकबाल किया, इंशाल्लाह ये मुद्दतों नहीं भूलेगी, कम से कम 365 दिन नहीं भूलेगी इंशाल्लाह। तो जैसे अगले इलेक्शन होंगे तो फिर ये रौनकें बहाल हो जाएंगी, लेकिन मैं ये आप दोस्तों को ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना आपके पास एक दबंग लीडर हाजी गुलाम अली, सेंटर गुलाम अली की सूरत में मौजूद है, मैं समझता हूँ ही इज़ एन एसेट टू केपीके, नॉट ओनली टू द केपीके बट फॉर पाकिस्तान एज वेल। जहाँ बात करते हैं माशाल्लाह बड़ी जोरदार दबंग बात करते हैं और दोस्तों के साथ एक ऐसा लीडर है, मैं समझता हूँ कि आपको जो जानता है इनको वो कहता है कि यार ये लीडर है, लेकिन आम एक ऐसा बंदा है, बेसिकली इतना सादा आदमी है, बेसिकली मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा था, एक इतना सादा आदमी है कि आम लोग इनके पोटेंशियल को और इनकी जो लीडरशिप को पहचान नहीं पाते, लेकिन जिस अंदाज से ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं और जितना ये वेल कनेक्टेड हैं, मैं समझता हूँ कि मुल्क तो बाद ऐसे लीडर पैदा होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस इलेक्शन में बिजनेसमैन पैनल को जिस तरह आप सालों साल से आप हमारी तायद करते आए हैं, मोहब्बत करते आए हैं, अपना प्यार निछावर करते रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काफिला हमारा 29 को या 28 को यहाँ से जैसा ही प्रोग्राम आपने दिया हुआ है वो रवाना होगा और इंशाल्लाह आपका स्टे कोशिश करेंगे कि कंफर्टेबल रहे और जिस जज्बे के साथ और जिस खुशी के साथ आप वहाँ जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो आपकी मुराद और आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी। जो हमारे केपीके से कैंडिडेट हैं जाहिद शाह साहब, मैं समझता हूँ कि ये मैंने जब भी इनको सुना है मुल्क की कि हम मामलात और मीशत को बेहतर करने के हवाले से इन्होंने हमेशा पॉजिटिव बात की है, और हमारे जो दूसरे कैंडिडेट हैं स्मॉल से पेशावर से मेहर अलाई साहब के साहबजादे जनाब सलमान मलक साहब, मैं समझता हूँ कि वो भी एक यंगस्टर और बड़े डायनामिक पर्सनैलिटी है। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों की बेसिकली फेडरेशन में शमूलियत चाहिए, आप दोस्तों की जितनी पार्टिसिपेशन होगी उतनी ही फेडरेशन बेहतर होगी, को इंशाल्लाह अजीज हम आपको ये इज्जत देंगे इंशाल्लाह, ताकि आज जिस इज्जत के साथ अंजुम निसार साहब और शाहजेब अकरम भाई जो आज इतने दूर से आए हुए हैं और मगु साहब जो कि प्रेसिडेंट होंगे हमारे इंशाल्लाह और हैं इंशाल्लाह हमारे, वो हमारे इस केपीके सूबा पख्तूनख्वा के जितनी भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन तमाम लोगों के जितने अभी काम होंगे या कोई इंडस्ट्रियल जोन का कोई ऐसा मसला होगा, तो इंशाल्लाह ये मेरे साथ भाई खड़े होंगे, मधु भाई खड़े होंगे और मेरे पास शाहजेब खड़े होंगे, ये मैं आपको गारंटी करता हूं अपने लीडरशिप की तरफ से कि आज अगर मैं यहां पे खड़ा हूं
तो मुझे इस मैं अगर इस सवाबी चैम्बर में हीरा तराशने का काम गुलाम अली साहब का है, मैं गुलाम अली साहब का मशकूर हूं अपने सवाबी चैम्बर की तरफ से। रिसेप्शन आप दोस्तों ने वहां दिया, काश मैं भी होता, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैं ना आ सका। बहरहाल आप सब जानते हैं और मैं दिल से तस्लीम करता हूं कि बिजनेसमैन पैनल का जो चारों सूबों में सबसे जो मजबूत एरिया है, मजबूत किला है, वो केपीके है। मैं चित्राल के दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, वो भी और खास तौर पे हमारे जो आज किसी मजबूरी की वजह से वो तशरीफ नहीं ला सके, वाइस प्रेसिडेंट कैसर खान साहब जो हैं, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि सरताज साहब की भी बहुत खिदमात हैं, उन्होंने एज ए कोऑर्डिनेटर पूरा साल बड़ा भरपूर काम किया, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने आपकी हर जगह नुमाइंदगी करने की कोशिश की। अफगान ट्रांजिट रेट के जितने मसले मसाइल उनके खलूस से और उन्होंने जो वादे किए थे जिस तरह उन्होंने पूरे किए, तो हमें इंशाल्लाह पूरा पूरा यह एहसास हुआ कि गुलाम अली साहब एक जैसे कहते हैं ना कि पख्तून आदमी हैं, और इंशाल्लाह हमने जो हाथ उनको दिया हुआ है इंशाल्लाह कटेगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। शाहजेब अकरम साहब जो कैंडिडेट भी है हमारे, उनको भी वेलकम कहता हूँ जी, इंशाल्लाह भरपूर सपोर्ट होगी इंशाल्लाह, जितने वोट इंशाल्लाह हमारे जहर शाह साहब को मिलेंगे इंशाल्लाह इतने ही वोट आपको भी हमारे सूबे से इंशाल्लाह मिलेंगे, और आप इंशाल्लाह उसी दिन आपको पता चलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे माशाल्लाह इंडस्ट्रीज मुझे नजर आ रहे हैं, पेशावर से आए हुए अपने सारे दोस्तों का, हमाद काजमी साहब यहाँ पे बैठे हैं। मुझे लगता है कि शायद पिछले 4-5 दिन से मैं आपकी मोहब्बतें यहीं पे समेट रहा हूँ, वापस गया ही नहीं। मैं 3-4 दिन पहले भी आप ही सब दोस्तों के दरमियान था, और कैंपेन के लिए मुझे कराची इधर उधर सब जगह बुलाया जा रहा था, लेकिन हाई साहब ने जब दोबारा कहा कि 18 तारीख को जुमे वाले दिन हमें जहां से ज्यादा इंसान को मोहब्बत मिलती हो, इतने मोहब्बत करने वाले लोग हों, वहां पे जाना चाहिए। मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दीर चैम्बर का, जहां हम 3 रोज पहले गए, हमारे भाइयों ने खास तौर पे नूर आलम साहब ने, इमरान साहब, खालिद साहब, इनकी सारी लीडरशिप ने।